नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक। मैं सत्या पॉल, आइए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नालंदा के डीएम योगेंद्र सिंह ने गिरियक प्रखंड के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सेंटर में आए प्रवासी मजदूरों का हाल समाचार लिया। इस दौरान श्री सिंह ने खबरें अब तक की टीम को बताया कि पूरे नालंदा जिला में तकरीबन 12,000 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया है। अभी और भी लोग आ ही रहे हैं। गिरियक के प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में अभी 44 लोग हैं। सभी लोगों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों से बातचीत कर उनका फीडबैक लिया जा रहा है कि वे लोग कहां से आए हैं और आगे क्या करेंगे। इस मौके पर उनके साथ सीओ चंद्रशेखर कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी धर्मवीर कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह, आयुष कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। कितने मतलब प्रवासी मजदूर आए हैं सर? पूरे जिले में जो संख्या है वो करीब हमारे 12,000 के आसपास है। इस केंद्र पर करीब हमारे 44 लोग रहे जी। और आप देख रहे हैं, स्वयं देख रहे हैं कि जैसे हमने बातचीत किया कि कहाँ से आए हैं, क्या करते थे जी, अब क्या करेंगे, आगे कैसे क्या इनका अपना जीवन निर्वाह होगा, उस जी लेकर के हम लोग बातचीत करते हैं। और बाकी सेंटर के अंदर में जो उनको सुविधाएँ दी जा रही हैं उनके बारे में क्या उनको कहना है, बताना है, क्या है, उसका भी हम लोग फीडबैक लेते हैं कि कहीं पर सुधार की गुंजाइश है या कहीं पर कोई कमी हो रही है जी, जी तो उसको भी हम लोग देखते हैं जी। जी और सर, उन्होंने कोशिश शुरू से ही की है कि क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं वो कोई दूसरे के लोग नहीं हैं, यहीं के निवासी हैं, यहीं के सब कुछ हैं। और सरकार इतना अच्छे तरीके से इनको करने के लिए कोशिश कर रही है तो उसमें कहीं भी होता है, हो सकता है कि खाने के समय पे मान लेते हैं कि 30 आदमी के लिए खाना बना और रहने के लिए वहाँ पर उसी समय पर जो है और 5 लोग आ गए तो हो सकता है कुछ थोड़ी देर हुई हो बनाने में या कुछ करने में जी। बाकी उनको जो भी सामग्री दी गई है, हो सकता है साबुन दिया गया तो 10 दिन में 5 दिन में ख़त्म हुआ हो, तो ऐसी सब चीज़ों के लिए हम लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं कि इनका फीडबैक लिया जाए और जो इनको ज़रूरत है जितना यहाँ से दिया जा सकता है, जितना प्रावधान है उतना हम लोग दें। और हमारे पदाधिकारी तो दिन रात लगे रहते हैं अपना 24 घंटे, लोग कोशिश भी करते हैं कि जो भी इनकी दिक्कतें तकलीफें हैं, क्योंकि बाहर से आए हैं, बहुत आर्डवर्स जर्नी, बहुत ही तकलीफ भरी यात्रा करके आए हैं, बहुत तकलीफें सह कर के ये लोग आए हैं, तो थोड़ा सा इनका जरूरी है और स्वाभाविक है कि वो थोड़ा सा दुख में होंगे, तकलीफों में होंगे। हम लोग कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से अपना यहाँ पर जो समय है क्वारंटाइन में रह करके अपना पार करें और फिर से इन लोगों का जो अपना जीविका का साधन है उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश करें इस कोशिश में जी। थैंक यू।